श्रीनगर के एनआईटी में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 अप्रैल के विवाद के बाद कल फिर एनआईटी जंग का मैदान बन गया, जहां पुलिस ने गैर कश्मीरी छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। कोहराम की ये तस्वीरें श्रीनगर के एनआईटी कैंपस की है, जहां छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। लाठीचार्ज के बाद छात्रों की इन तस्वीरों को देखिए। इस बवाल में कई छात्र जख्मी हुए हैं। हिंसा के बाद कैंपस में सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियों को लगा दिया गया है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 31 मार्च को हुई थी, जब विश्व कप T20 में भारत की हार के बाद कुछ कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी नारेबाजी करते हुए हार पर जश्न मनाया था। इस बात से नाराज गैर कश्मीरी छात्रों ने अगले दिन भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कैंपस में तिरंगा मार्च निकाला, जिसको लेकर गैर कश्मीरी और कश्मीरी छात्र आपस में भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि कैंपस को बंद करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उसी घटना के बाद ये छात्र सुरक्षा की मांग को लेकर कैंपस के बाहर जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने छात्रों को रोका तो छात्र हिंसक हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसा दी। इस घटना के बाद से ही कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालातों के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की है। वहीं एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस विवाद पर 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में जो कुछ हुआ उसके बाद एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है। फिलहाल एनआईटी कैंपस का माहौल गर्म है और ये मामला कब ठंडा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जीपी लाइव।